वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली रे आज हमें दशम श्रेणी रो बेस्ट 15 एमसीक्यू पार्ट 4 करियो पिला माने जो पिला माने पूर्व पार्ट गुडा को देखि नांती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जाय छी देखि देबे। आ जो पिला माने हमर चैनल रे प्रथम थोर पय आछंती ताहाले सब्सक्राइब कर दियंतु और ता पाखरे थवा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। मु जतेबे भी नुवा वीडियो अपलोड करबे आपन को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिलि जबो। सो दिस वीडियो इज ब्रॉट brought to by me, my name is SK Habib. So let's get started. So first question ro achi pila mane first question ro achi kx square minus 7x plus 14 equal to 0 samikaran ro prabhedak minus 63 hele ke ro mano nirnay karo. To pila mane mane prabhedak means d equal to formula kon thila na d equal to actually amar diya hai chi ke the question re minus 63 diya hai chi किंतु आमे डी रो फॉर्मूला जानी छंती कौन ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू माइनस 63 दिया आई छी। बी रो वैल्यू इक्वेशन को लक्ष्य करो पिला माने बी रो वैल्यू केते अछि ना 7 अछि माइनस 7 माइनस 7 रो वर्ग माइनस 4 इनटू ए रो वैल्यू केते अछि ए रो वैल्यू के अछि पिला माने के बसेई देले इनटू सी रो वैल्यू केते अछि 14 अछि 14 लिखि देले इक्वल टू माइनस 6 3 ताहले हमें लिखी बारे बा एटा केते हे जबो 49 हे जबो 7 रो वर्ग हे गेला माइनस एटा 14 56 के इक्वल टू माइनस 63 ताहले एटा प्लस रे अछि 49 प्लस रे अछि पार्श्व परिवर्तन करले कोन हे जबो माइनस हे जबो ताहले एटा केते हे जबो माइनस 63 माइनस 49 माइनस 63 माइनस 49 मिसै देबा पिला माने चलो केते हे जबो देखो 9 3 12 4 10 माइनस 12 हे गेलो ताहले हम लिखि परबा k इक्वल टू एटा इनटू हे छि 6 माइनस 56 इनटू हे छि पार्श्व परिवर्तन करले डिवाइड हे जइबो डिवाइड कर देले काटि देले केते हे जइबो पिला माने काटि देबा हम 56 2 हे जइबो केते हे जइबो 2 तो ताहले ऑप्शन नंबर केते हे जइबो ए आंसर हे जइबो 2 आंसर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि x प्लस 2 इनटू x प्लस 3 इक्वल टू 6 समीकरण रो मूलद्वय रो गुणफल डैश हबो मूलद्वय रो गुणफल देखो पिला माने एटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे नाही हमकु कन्वर्ट करबा को पड़िबो कन्वर्ट करला परे बहुत लेंथी प्रोसेस हे जइबो आ हम केते पर मार्क पाइबा 1 मार्क पाइबा तो हमें ताकु डील केमती करबा 1 मार्क भरिया ही ट्रीट करिया हमें डील करी आंसर टी बाहर करबा केमती बाहर करबा देखो फर्स्ट तो इक्वेशन टी अछि देखो लक्ष्य करो x प्लस 2 हमें ऑप्शन माध्यम रे करबा इनटू केते अछि ना x प्लस 3 इक्वल टू 6 अछि तो पिला माने हमें कोन x रो वैल्यू कोन बसेबा x रो वैल्यू कोन बसेबा x रो वैल्यू कोन बसेबा जे हमर आंसर 6 हेबो तो देखो ऑप्शन माध्यम रे जेबा ऑप्शन माध्यम रे गले फर्स्ट 0 अछि अच्छा 0 बसाइले 0 प्लस 2 केते हिबो पिला मान 0 प्लस 2 मिसै देले केते हिबो ना 2 हे गला इनटू थिला इनटू पकेले x रो वैल्यू हमें केते नेउ छंती 0 नेउ छंती तो 0 0 प्लस 3 केते हे जबो 3 हे गला तो इनटू कर देले केते हे गला 2 3 6 6 भी बाहरी गला ताहले ऑप्शन नंबर बीट ए 0 हेबो ओके आंसर केते हेबो 0 जदी हमें 1 नहीं थांते x रो प्लेस रे हमें केते नेबा 1 नेबा 1 प्लस 2 1 प्लस 2 नहीं नेले केते हैला 3 हे गला एटा केते अछि 1 नै जेबा x रो वैल्यू 1 1 प्लस 3 4 हे गला तो इनटू करले केते हे जाउ छि पिला माने 4 12 तो ऑप्शन नंबर 1 हेबोनी सेई बढ़िया भाव रे निजे ट्राई करबो ऑप्शन नंबर जो सी अछि सी रो वैल्यू केते अछि 2 को भी नै पुट अप करबो 6 बाहरिबो नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन टी केते 0 को पुट करला परे हमें 6 पाउ छंती समीकरण रे तो हमर आंसर केते होबो 2 ऑप्शन नंबर 2 ए जो हमर क्वेश्चन नंबर 2 रो ए होबो ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रो अछि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 समीकरण रो मूलद्वय डैश तो पिला माने मूलद्वय डैश को आइ तो मूलद्वय कोन कोन हेबो 2 2 हेबो ना 3 3 हेबो ना 4 4 हेबो ना 5 5 हेबो तो पिला माने हमर कोन x रो वैल्यू कोन बसेबा x रो वैल्यू कोन बसेबा ताहले हमर 0 हेबो
फर्स्ट देखो आम थ्री ने ऑप्शन नंबर आम बी ना देख जदि थ्री ने एक्स रगह एक्स रगार थ्री थ्री रग माइनस फोर इंटु एक्स रगार थ्री प्लस फोर आम के बाहर कथा जीरो बाहर कथा देखा चलो तीन तीन नईगला चार तीन बार प्लस चार हो गला तो यहाँ के माइनस तीन प्लस चार प्लस वन हो बाहर तो कैसे पिला मैंने जीरो बाहर तो ऑप्शन नंबर बी हे ना पिला मैंने तो देख आम टू को देखा टू को अप्लाई करवा एक्स रैल्यू के बसवा टू बस एक्स रैल्यू टू जो बस टू रग माइनस फोर थी फोर लिखिले एक्स रगार टू बस टू बस प्लस फोर इक्वल टू जीरो आम लिखी पार दुई दुनि चार हो गला चार दुने आठ हो गला प्लस चार हो गला तो पिला मैंने लिखी पार एटा के हम चार आ चार आठ हो गला माइनस आठ थी तो देख ये जीरो जीरो आर इक्वेशन रे भी आमर केते अछि जीरो अछि तो कंडीशन सैटिस्फाई होला तो बी ए आंसर हेबो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन अछि देखो के एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो समीकरण मूलद्वय को कौन धरा जाए अल्फा और बीटा ताहले कहार मान बाहर करने कहुई अल्फा टू दिवार माइनस वन प्लस बीटा टू दिवार माइनस वन मान के तो पिला मैंने देख एक क्षेत्र में कौन बाहर कर सब ना अल्फा प्लस बीटा बाहर कर मान मूलद्वय समष्टि कौन हुए माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए मान के केते बी रैल्यू माइन के सिक्स आगु माइनस थी माइनस सिक्स देदे आल्यू के लिखीदे आउ गोटे बाहर करब अल्फा इंटू बीटा मूलद्वय गुणफल कौन सी बै ए सी के इक्वेशन को लक्ष्य कर माइनस थ्री बस डिवाइडेड बै ए के अच्छे कितु बाहर करने कौन कहुई ए अल्फा टू दिवार माइनस वन प्लस बीटा टू दिवार माइनस वन तो देख अल्फा टू दि पावर माइनस वन प्लस बीटा टू दि पावर माइनस वन वैल्यू बाहर करने कहुई ताल देख जिते बड़े घात माइनस थे पे पॉजिटिव करने कौन करा जाए ना वन विभक्त अल्फा कर हैला वन विभक्त बीटा करा गला एलसीएम नहीं गले पे कौन हो अल्फा बीटा हो गला तो ये कौन हो बीटा प्लस अल्फा ताकू जदि आम सजे कर लिखेद पे सजे कर लिखीदे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है गला तो अल्फा बीटा रो वैल्यू पिला माने दिया है अल्फा और बीटा रो वैल्यू तो आम बाहर कर अल्फा और बीटा रो वैल्यू बाहर कर माइनस सिक्स बै के डिवाइड अच्छे पे डिवाइड मैंने देख डिवाइड दे दिला अल्फा इंटू बीटा है माइनस थ्री बै के माइनस थ्री बै के जदि डिवाइड थे पे मैंने कौन हो जाए अलटी जाए इंटू हो गल कौन है इंटू हो गल कौन अल्टी जीव के वाय माइनस थ्री के वाय माइनस थ्री हो गला तो आम काटी पार पे मैंने कौन माइनस तीन के तीन तीन दुनिया छः माइनस माइनस भी कटिगला के भी कटिगला के बाहर गला टू तो टू आंसर है टू देख ऑप्शन रे को ऑप्शन रे अच्छी ना बी ऑप्शन रे टू आई होप समस्त बुझी पार्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखाई क्वेश्चन लिखाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एटीन इक्वल टू जीरो समीकरण मूलद्वय अल्फा और बीटा हेले अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटार मान निर्णय कर तो पिला माने अल्फा आम बाहर करवा ये दुईटार वैल्यू बाहर करें से मूल्य पाइज अल्फा प्लस बीटार वैल्यू मूलद्वय समष्टि कौन हुए ना माइनस बी बाय तो माइनस तो अच्छी पिला माने माइनस बस बी वैल्यू के माइनस टू देदेले डिवाइडेड बाय आउ ए के किसी ने मैंने वन अच्छी तो ये कौन हो माइनस माइनस प्लस हो टू माने अल्फा प्लस बीटा वैल्यू के बाहर पे मैंने टू बाहरी गला। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा बाहर करवा अल्फा इंटू बीटा के बाहर ना सी बाय ए सी के पा मैंने एटीन डिवाइडेड बाय ए है वन इक्वल टू एटीन सी अच्छी एटीन ओके ताल आमको बाहर कौन करवा कहुई अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा बीटा के पा मैंने अल्फा बीटा अच्छी एटीन एटीन लिखीदे डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा के टू अच्छी ताल आम कैनसल करते कैनसल करवा दुई एक दुई दुई नुआई अठर तो केगला नाइन तो नाइन देखा ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी आई होप समस्त बुझी पार्थ। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन अच्छी
देखो 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण रो बीजोदय मध्यरु गोटिए अन्नटीर गुणात्मक विलोमी हेले स्थिर मान केते मन रखथबो पिला माने गुणात्मक विलोमी अमर बीजोदय किए पिला माने बीजोदय हेले अल्फा इनटू बीटा अल्फा इनटू बीटा बीजोदय रो गुणात्मक विलोमी एक्चुअली गुणात्मक विलोमी काहा को कहा जाय गुणात्मक विलोमी 1 को कहा जाय तते पई तो हम 5 रो गुणात्मक विलोमी केते पिला माने 1/5 काई की कोंती 5 रो गुणात्मक विलोमी 1 विभक्त को 5 कारण आमे जदि इनटू करिबा तांको इनटू करले कोन हेबो 1 हे जेबो तो 1 को कोन कहा जाय गुणात्मक विलोमी को कहा जाय 1 को गुणात्मक विलोमी को कहा जाय तो बीजो दर गुणात्मक करिबा गुणन करिबा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू केते दिया आइछि 1 तो कहि सी रो मान केते तो पिला माने आमे अल्फा इनटू बीटा मूलोदय रो गुणफल इक्वल टू 1 दिया जाय छी गुणात्मक विलोमी कहला माने 1 ओके तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 1 हे गला दिया छी क्वेश्चन रे किंतु मूलोदय रो गुणफल जोटि के अल्फा इनटू बीटा रो फार्मूला होची कोन रे सी बाय ए ओके इक्वल टू 1 किंतु सी केते पिला माने सी को देखो समीकरण को देखो सी केते अछि सी अछि सी ही अछि सी बसैले ए किंतु ए केते अछि समीकरण को देखो 3 अछि ए केते अछि 3 अछि 3 बसैले इक्वल टू 1 तमे वज्र गुणन कर देले सी आ एटा केते 3 इनटू 1 3 हे गेला तो 3 आंसर 3 हे जेबो देखो ऑप्शन नंबर डी हे जेबो ऑप्शन नंबर 11 केते हे जेबो ना डी आई होप समस्त बुझी पारथबो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रहथि केउ शर्त रे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 समीकरण रो बीजोदय मध्यरु गटिए अन्नटीर गुणात्मक विलोमी हेबो गटिए अन्नटीर गुणात्मक विलोमी हेबो ले माने गुणात्मक विलोमी कोन है बीजोदय अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू गुणात्मक विलोमी हेबो माने कते 1 हेबो तो बीजोदय रो गुणफल केते पिला माने बीजोदय रो गुणफल हैला c / a फार्मूला डी कोन c / a इक्वल टू 1 समीकरण को लक्ष्य करो c रो वैल्यू केते अछि पिला माने सीरो सी जगह रे की अछि ना आर अछि आर लिखि देले डिवाइडेड बाय ए केते अछि ए अछि पी तो पी लिखि देले इक्वल टू 1 तो आर इक्वल टू केते हे जइबो एटा वज्र गुणन हे जइबो वज्र गुणन एटा पी सहित इनटू पी इनटू 1 हे जइबो पी हे गेला तो कोन कहि छी केउ शर्त टिए अछि गुणात्मक विलोमी हो तो हमर कोन अछि ना आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू देखो पी कोठे अछि आर इक्वल टू p r equal to p एटा p equal to r छोड़िबो हेडिंग आंसर पिलाबो कोडे हो आंसर देखो आंसर हेबो आमे r equal to p भी लिखि परबा बा p equal to r भी लिखि परबा एका कथा तो हम ऑप्शन नंबर ए आंसर हेबो केते हेबो p equal to q तो हेबो नै कदा p हेबो नै q equal to r भी हेबो नै q q equal to 0 भी हेबो नै तो आंसर केते हेबो ना ए 7 रो ए हेबो आई होप समस्त बुझी पाथबो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 समीकरण रो मूलोदय अल्फा एंड ओ बीटा हेले अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर रो मूल्य निरूपण करो तो पिला बेना देखो जदि भल से देखिबो जते बडे मूल्य बाहर करा जिवो मने रखथिबो आमे दुइटा ही जिंस बाहर करबा कोटा कोटा ना अल्फा प्लस बीटा आउटे अल्फा इनटू बीटा सो बेले पिला माने तो अल्फा इनटू अल्फा प्लस बीटा रो फार्मूला हैला माइनस बी बाय ए जोटि के हमें जदि हमें इक्वेशन को देखिबा केते अछि माइनस अछि माइनस बसैला बी रो वैल्यू माइनस 5 अछि डिवाइडेड बाय 2 अछि ए रो वैल्यू 2 अछि तो हमें लिखि परबा 5 विभक्त कर 2 नेक्स्ट अल्फा इनटू बीटा केते अछि सी बाय ए सी केते अछि पिला माने सी अछि 3 3 बसैले ए केते अछि ए 2 अछि 2 बसै देले फाइनल केते ला 3/2 किंतु हम बाहर करबा पई कोन को है छी बाहर करबा पई को है छी जे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर वैल्यू केते तो पिला माने भल से जदी देखिवो कोन देखिवो हमकू केमती कन्वर्ट करिवार अछि काहाकू केमती कन्वर्ट करिवार अछि ना अल्फा प्लस बीटा रे कन्वर्ट करिवार अछि अल्फा इनटू बीटा रो कन्वर्ट करबा कारण ए दुइटा रो वैल्यू अछि तो
এটা কমতি করবা, জাস্ট মডিফাই করবা, কোন না আমি কমন নিয়ে যাবো, আলফা দুইটা আছে এটা গুটে আছে, তো আলফা গুটে কমন নিয়ে গেলে, এটা আলফা গুটে বিটা গুটে আছে, বিটা এটা দুইটা আছে, তো গুটে কমন নিয়ে, তো দেখো পিলা মানে এটা দুইটা আলফা ছিলা, গুটে কমন পড়াইলা গুটে রইলা, বিটা গুটে থিলা গুটে পড়াইলা, তো কিছু রইব নি, এনা দেখো আলফা গুটে থিলা পড়াইলা, বিটা গুটে থিলা পড়াইলা, কমন কমন গলা, তো রইলা কি আর গোটে বিটা রয়েছে, তো কমন নিয়ে গেলে পিলা মানে কমন কোন নিয়ে গেলে কমন নিয়ে গেলে, তাহলে না বর্তমান আমি বসাই পারবা আলফা ইন্টু বিটার ভ্যালু বসাই পারবা, আলফা ইন্টু বিটার ভ্যালু 3/2 ইন্টু আলফা প্লস বিটার ভ্যালু কত আছে পিলা মানে 5/2, 5/2 লিখে দিলে, তাহলে আমি ইন্টু করে দেব না পিলা মানে কত হয়ে যাব 5 3 15 হয়ে গেল, বিভক্ত 2 2 4 হয়ে গেল, তো কত হয়ে যাব 15 বিভক্ত 4, কত হয়ে যাব 15 বিভক্ত 4, তো অপশন নম্বর বি অ্যান্সার হয়ে যাব, আই হোপ সমস্ত বুঝি পারতে, ওকে নেক্সট নেক্সট কোশ্চেন রে আছি x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 16 বি ইকুয়াল টু 0, সমীকরণ র মূলদ্বয় আলফা ও বিটা হেলে আলফা ইনটু বিটা ডিভাইডেড বাই আলফা প্লাস বিটা নির্ণয় কর, সেম ফর্মুলা পিলা মানে সেম ফর্মুলা কেমতি কোন করিবা, ফার্স্ট করিবা আলফা ইনটু বিটা, আলফা ইনটু বিটা ইকুয়াল টু কোন হয় সি বাই এ, সি বাই এ সি কেতে না 16 পি দিয়া হইছি, কেতে দিয়া হইছি 16 পি ডিভাইডেড বাই এ কেতে, এ কিছু নেই মানে 1 আছে, আমি লিখি পারবা 16 পি, আলফা প্লাস বিটা কেতে আছে পিলা মানে আলফা বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ ফর্মুলা টিয়ে, তো বি র ভ্যালু কেতে আছে 8 আছে, 8 বসাই দিলে মাইনাস 8 আছে, আগরু মাইনাস থিলে মাইনাস টিয়ে বসাইলে ডিভাইডেড বাই এ, এ 1 আছে, তো 8 হয়ে গেল, মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল 8 পাই গেল, তো আমি বাহার কোন ভ্যালু বাহার করিবা পাই কোয়া আছে আলফা ইনটু বিটা ডিভাইডেড বাই আলফা প্লাস বিটা, আলফা ইনটু বিটা কেতে আছে, আলফা ইনটু বিটা আছে আমার 16 পি, কেতে আছে 16 পি ডিভাইডেড বাই আলফা প্লাস বিটা কেতে বাহার করলে 8, তো আমি ক্যান্সেল আউট করে দেবা, চলো 8 কে 8 8 2 16, এটা পিটা থিলা তো কেতে হয়ে গেল 2 পি, কেতে অ্যান্সার হয়ে যাব 2 পি, অপশন নম্বর এ হয়ে যাব অ্যান্সার, নেক্সট নেক্সট কোশ্চেন রে আছে 9x² + 5x + c + 9 ইকুয়াল টু 0, সমীকরণ র বীজদ্বয় গুণাত্মক বিলোমী হলে c র মান নির্ণয় কর, তো পিলা মানে যেতেবেলে বি গুণাত্মক বিলোমী কোহা যাব মানে মূলদ্বয় র গুণফল ইকুয়াল টু কত দিয়া হইছি 1, কিন্তু আমি জানিছন্তি না কোন না আলফা ইনটু বিটা র ফর্মুলা হেলা সি বাই এ ইকুয়াল টু 1, কিন্তু সি র ভ্যালু দেখো এই যে ইকুয়েশন টি আছে, এই যে ইকুয়েশন টি আছে সি র ভ্যালু কত, সি র ভ্যালু কত সি প্লাস 9 দিয়া হইছে, কত দিয়া হইছে সি প্লাস 9 ডিভাইডেড বাই এ, এ র ভ্যালু কত আছে 9 আছে, 9 লিখিলে ইকুয়াল টু 1, তাহলে আমার সি র মান বাহার করিবা পাই কোয়া হইছে, এটা দেখো সি প্লাস 9 লিখি দেলে বজ্রগুণন করে দেলে এটা কত হয়ে যাব 9 × 1 হয়ে গেল, কত হয়ে যাব 9 হয়ে যাব, আমি লিখি পারবা সি ইকুয়াল টু কত হবো 9 আগরু থিলা আর এটা প্লাস রে আছে পার্শ্ব পরিবর্তন করলে মাইনাস হয়ে যাব, তো কত হয়ে যাব সি ইকুয়াল টু কোন হয়ে যাব 0, 9 মাইনাস 9 ইকুয়াল টু 0, তো 0 অ্যান্সার হয়ে যাব, অপশন নম্বর বি অ্যান্সার হয়ে যাব, নেক্সট নেক্সট লেখা হয়েছি x² + 3x + 4 = 0, সমীকরণ র মূলদ্বয় আলফা ও বিটা হলে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার মূল্য নির্ণয় কর, 2018 সেট এ রে পড়িছিল পিলা মানে, দেখ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন টি ভালসে শুনো, কোন কোয়া হইছি কাহার ভ্যালু বাহার করিবা পাই কোয়া হইছি আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার ভ্যালু বাহার করিবা পাই কোয়া হইছি, কিন্তু আমি সববেলে দুইটা যেতেবেলে ভ্যালু বাহার করিবা পাই কোয়া হবো আমি দুইটা বাহার করিবা আলফা প্লাস বিটা আর গোটে কোন আলফা ইনটু বিটা, আলফা প্লাস বিটার ফর্মুলা হল্লা কোন না মাইনাস বি বাই এ, বি কেতে অছি পিলা মানে বি অছি 3 আর এ কেতে অছি 1, তো মাইনাস 3 হয়ে গেল, আলফা ইনটু বিটা কেতে আলফা ইনটু বিটা সি বাই এ, সি কেতে 4/1 ইকুয়াল টু 4, এতকিটে কনসেপ্ট ক্লিয়ার, কিন্তু আমাকে ভ্যালু কাহার বাহার করবা পাই কোয়া হইছে আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার, তো আমি গুটে
कॉमन सेंस अप्लाई करिवा आउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर करिवा कोन करिवा जस्ट मॉडिफाई करिवा आमे जानि छंती अल्फा प्लस बीटा माने ए प्लस बी रो वर्ग फार्मूला टिए कोन पिला माने ए प्लस बी रो वर्ग फार्मूला टिए कोन ना स्क्वायर आउटे कोन होय बी स्क्वायर प्लस 2 ए तो मु अल्फा बीटा कन्वर्टर रे मु लिखि देले ठीक ना ने तो आमे दियाई छि अल्फा प्लस बीटा केते दियाई छि माइनस 3 आमे लिखि परिबा माइनस 3 रो वर्ग प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इनटू अल्फा इनटू बीटा केते दियाई छि पिला देखो अल्फा इनटू बीटा केते दियाई छि अल्फा इनटू बीटा देखो दियाई छि 4 4 लिखि देले तो देखो 3 9 हे गला इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एटा केते हे जबो 2 चक 8 हे गला ताले आमे लिखि परबा 9 लिखि देले एटा प्लस रे अछि एपोटे आसले माइनस हे गला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओके एटा केते हे जबो 9 माइनस 8 1 हे गला 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तमर कोन बाहर करबा पई कहै दिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रो मूल्य निर्णय करो तो आमे बाहर करले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रो वैल्यू बाहर करले केते बाहरला 1 तो आंसर केते हे गेला 1 तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हे जेबो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन लिखाय छी px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0 समीकरण रो मूलद्वय रो गुणफल 3 हेले पी रो मान निर्णय करो पी रो मान निर्णय समीकरण रो मूलद्वय मूलद्वय के पिला माने अल्फा इनटू बीटा गुणफल करले केते हुए गुणफल करले 3 हुए माने 3 दिया छि तो हम जानि छंती जे मूलद्वय रो गुणफल रो फार्मूला c / a इक्वल टू 3 तो c केते पिला माने c दिया छि 2p - 1 कोन दिया छि 2p - 1 डिवाइडेड बाय a केते ए अच्छी पी अच्छी पी लिखि देले इक्वल टू 3 ताहले हमें वज्रगुणन कर देबा एटा पी इनटू 3 केते हि जबो एतार 2p - 1 इक्वल टू एटा केते हि गला ना 3p ताहले हमें कोन करिबा देखो एटा प्लस रे अच्छी एटा 2p टा प्लस रे अच्छी पार्श्व परिवर्तन करले माइनस हि जबो तो 3p - 2p हि गला ताहले हमें लिखि परिबा केते लिखि परिबा देखो माइनस 1 इक्वल टू एटा माइनस करले केते हि जाउछि देखो 3p माइनस 2p केते हि जबो खाली p हे जबो तो p रो वैल्यू केते बाहरला पिला माने p रो वैल्यू माइनस 1 बाहरला केते बाहरला माइनस 1 तो ऑप्शन नंबर b हे जबो आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हि 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0 समीकरण रो मूलद्वय अल्फा और बीटा हेले अल्फा इनटू बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा रो मूल्य केते तो सेम थिंग अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कोन नाम c / a c 7 / 25 हे गला अल्फा प्लस बीटा केते अछि पिला माने अल्फा प्लस बीटा अछि माइनस b / a b रो वैल्यू अछि 30 माइनस थिला माइनस दे देले डिवाइडेड बाय a रो वैल्यू 25 तो हमें कैंसिल आउट कर देबा 5 5 25 530 तो केते हे गला माइनस 6 बाय 5 ठीक गला किंतु कहार वैल्यू बाहर करबा पई कहै छी अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा हमें लिखि परबा अल्फा इनटू बीटा रो जो वैल्यू बाहर करले केते वैल्यू बाहर करले ना अल्फा इनटू बीटा रो 7 बाय 25 इनटू आउट केते एटा बाहर करछंती माइनस 6 बाय 5 अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू केते माइनस 6 बाय 5 तो हमें इनटू कर देबा 742 माइनस 42 डिवाइडेड बाय एटा इनटू कर देबा कोटा कोटा ना हमर 25 इनटू 5 केते हिजो 25 5 125 तो केते आंसर हिजो माइनस 42 डिवाइडेड बाय 125 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 125 ऑप्शन नंबर बी हिजो आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रो अछि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 पर a इज नॉट इक्वल टू 0 a केबे भी 0 हेबो नाही
ओके समीकरण टी प्रभेदक माइनस 20 हेले यार मान केते तो पिला माने प्रभेदक केते दिया छि डी इक्वल टू दिया छि माइनस 20 ताहले हमें डी रो फार्मूला कोन बी स्क्वायर माइनस 4 एसी इक्वल टू माइनस 20 ओके ताहले हमें लिखि परबा कोन लिखि परबा बी रो वैल्यू केते पिला माने बी रो वैल्यू माइनस 2 अछि 2 रो वर्ग माइनस 4 इनटू ए केते ए रो वैल्यू ए ही दिया छि इनटू सी रो वैल्यू केते दिया छि सी रो वैल्यू जीरो वैल्यू 3 दिया है तो हमें 3 लिखी परवा देखो तो पिला माने ए रो वैल्यू ए ही दिया है सेत पे ए लिखिले इक्वल टू माइनस 20 तो हमें लिखी परवा 2 2 4 हो गेला माइनस कोन हे जो देखो 4 आउ 3 अछि 4 3 12 आ ए लिखि देले इक्वल टू माइनस 20 एटा प्लस रे अछि पार्श्व परिवर्तन करले माइनस हे जो तो माइनस 12 ए इक्वल टू माइनस 20 माइनस 4 तो कते हे जेबो एटा माइनस 24 हे जेबो कते हे जेबो 24 तो ए इक्वल टू कते हे जेबो ए इक्वल टू हे जेबो माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 12 एटा इनटू हेथिला पार्श्व परिवर्तन करले डिवाइड हे गला तो हमें कैंसिल आउट करि परबो 12 के 12 12 2 24 आ एटा माइनस माइनस प्लस हे गला तो 2 आंसर मारिबो कते हेबो 2 ऑप्शन नंबर ए 2 नेक्स्ट लास्ट लास्ट क्वेश्चन पिला माने लास्ट क्वेश्चन रे कोन अछि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण रो प्रभेदक डैश प्रभेदक पर फार्मूला कोन d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर केते b केते माइनस 5 रो वर्ग माइनस 4 इनटू a केते a अछि 2 2 लिखि देले इंटु सी केते अछि सी अछि 12 12 लिख देले तो केते हे जेबो 5 5 25 हे गेला एटा केते हैला 4 2 8 12 16 96 हे गेला तो माइनस कर देबा 96 रो 25 माइनस कर ले केते हे जेबो पिला माने 71 माइनस 71 ऑप्शन नंबर सी आंसर हे जेबो 2019 सेट ए रे पड़ी थलो पिला माने तो आशा करू छी समस्त बुझी पारथबो यदि जदि वीडियो टी भल लागु छी निश्चित भाबे लाइक कमेंट एवं शेयर करबा पई भूलंतु नै तो थैंक्स फॉर वाचिंग।